विधायक हितेंद्र ठाकुर का ये कहना है कि उनके यहाँ पर तीन तीन विधायक है पालघर लोकसभा सीट अंतर्गत, तो आप क्या कहेंगे उस पर? वो तो लोकसभा इलेक्शन के बाद उनको पता ही चल जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से आप नाला सुपारा में इस समय मौजूद है, तो क्या आप वसई विरार नाला सुपारा यहाँ की जो जनता है उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं, उनसे अवगत है? नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। लोकसभा चुनाव को लेकर अब नाला सुपारा वसई विरार में भी सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में आज नाला सुपारा में जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट से उम्मीदवार खड़ी हुई हैं भारती कामडी, उन्होंने दौरा किया और यहां पर नाला सुपारा पश्चिम में एक महामेले का आयोजन किया गया। यहां पर हजारों की संख्या में जो शिव सैनिक थे वो मौजूद रहे, लेकिन इस समय जब हमने भारती कामडी से सवाल किया कि आखिर उनका नाला सुपारा वसई विरार को लेकर क्या मत है, क्या वो यहां की जनता की समस्याओं के बारे में जानती हैं, और हमने जब ये भी सवाल किया कि पालघर जिला अंतर्गत यहाँ की जो बहुजन विकास आघाड़ी है उसका पल्ला भारी है, तब उन्होंने हमारी बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तय क्या कहेंगे, जिस तरीके से विपक्ष ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे तो लगता है कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे माननीय उनका उम्मीदवार देख के वो डर ही गए हैं, तो अभी तक उन्होंने उनका कैंडिडेट दिया नहीं है। यहाँ के विधायक हितेंद्र ठाकुर का ये कहना है कि उनके यहाँ पर तीन तीन विधायक है पालघर लोकसभा सीट अंतर्गत, तो आप क्या कहेंगे उस पर? वो तो लोकसभा इलेक्शन के बाद उनको पता ही चल जाएगा। आप यहाँ किन किन विषयों पर लड़ने वाले, कौन कौन से मुद्दे होंगे आपके? सबसे पहले तो वार्ड वन बंदर है, उसके बाद यहाँ के कुपोषण का प्रश्न है, यहाँ के जो हमारे डहाणू से लेके विरार तक जो रोज ट्रैवलिंग करते हैं तो उनका ट्रेन का प्रश्न है, उसके बाद कुपोषण के बाद हमारा आरोग्य है, शिक्षण है, इन सभी प्रश्नों को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप नाला सुपारा में इस समय मौजूद हैं, तो क्या आप वसई विरार नाला सुपारा यहाँ की जो जनता है उनकी समस्याओं के बारे में जानती हैं, उनसे अवगत हैं? पक्का, मैं उनके बारे में जानती हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुकी हूँ, तो यहाँ मैंने घूमा है, यहाँ का एरिया देखा है, तो इनकी क्या समस्या है ये मुझे पता है। यहाँ की जनता ये कहती है कि वोट मतलब चुनाव के पहले उम्मीदवार आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो दिखाई नहीं देते, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पालघर में रहती हूँ, लेकिन मेरा अभी का मतदार संघ विक्रमगढ़ तालुका में तलवाड़ा करके है, वहाँ के लोग भी ऐसा ही बोलते थे पहले, लेकिन वहाँ के लोगों ने सोचा कि 25 साल यहाँ के लोगों को चुन के दिया है लेकिन कुछ नहीं किया, पहली बार कोई लेडी हमारे यहाँ शहर से गांव में आई है, तो उसको देखते हैं कि चुन के देने के बाद वो करती है या नहीं। उनका ये कहना था कि मैं अभी 1.5 साल में उनकी सारी समस्याओं को निवारण कर चुकी हूँ, इसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ की जनता भी मुझे समझ पाएगी और मुझे वोट करके जिता के यहाँ के सब जो उनके प्रश्न है उसको छुड़ाने के लिए हेल्प करेगी। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार नारी शक्ति जो है वो पुरुषों पर भारी पड़ने वाली है? यस, नारी शक्ति सब पे भारी। तो जिस तरीके से आपने सुना कि भारती कामडी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष डर चुका है, इसीलिए उसने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पालघर जिले में जो राजनीति चल रही है वो काफी ज्यादा गर्म है। महायुति ने अब तक अपना जो उम्मीदवार है वो घोषित नहीं किया है, साथ ही साथ बहुजन विकास आघाड़ी ये कहती नजर आ रही है कि उनका पल्ला इस बार भारी है, क्योंकि पालघर जिला अंतर्गत उनके तीन विधायक मौजूद हैं। अब देखना यही होगा कि इस बार खासदार के तौर पर कौन चुनकर आता है और वसई विरार की नाला सुपारा की जनता किसे अपना खासदार घोषित करती है। बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही, मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।